जेल का मॉडल पूरा जो जेल था इसी तरह बनाया गया था स्टार की शेप, टोटल 7 विंग्स थे 7 खंड थे, विंग नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, इन 7 विंग्स को कनेक्ट करता था बीच का सेंटर टावर, सातों जो विंग्स थे इसी सेंटर टावर से कनेक्टेड थे, एक विंग से दूसरे विंग्स पे जाना था तो इसी सेंटर टावर से होकर जाना था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जेल का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया था 1893 में और जेल बनकर कंप्लीट हुआ था 1906 में। जेल को बनाने पर 13 इयर्स लगे थे। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, इसको 3 इयर्स में कंप्लीट करना चाहते थे, लेकिन स्टार्टिंग में जो ईटे यूज किए गए थे वो लाए गए थे बर्मा से, और जो रॉड वे सब यूज किया गया था वो लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसलिए इसको बनाने में पूरे 13 इयर्स लगे। पूरे जेल का स्ट्रक्चर इसी तरह था, एक विंग का फ्रंट साइड था तो एक विंग का बैक साइड, कहीं पर भी दो विंग्स का फ्रंट साइड आपस में मिलता नहीं था। ये इसलिए ताकि दो विंग्स वालों के बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना हो। हर एक विंग के सामने वर्कशॉप बना था, हर एक विंग के सामने एक वर्कशॉप था, जिस विंग का कैदी है उसको अपने ही सामने वाले वर्कशॉप पे काम करना था, काम करने के लिए दूसरे वर्कशॉप पर नहीं जा सकता। जेल जो था इसी तरह था, हर एक विंग पे 3 फ्लोर थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टोटल मिलाकर 693 शेल्स थे। पूरे जेल में 693 शेल्स थे, 693 कमरे थे। कुछ विंग छोटे हैं, कुछ विंग बड़े हैं, लेकिन अंग्रेज होते सारे विंग्स को एक साइज का बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं पर जाकर समंदर आता था, कहीं पर जाकर पहाड़ आता था, तो कुछ विंग छोटे रह गए, कुछ विंग बड़े रह गए। इसमें था विंग नंबर 3 जो सबसे बड़ा था जिसमें टोटल 150 शेल थे, विंग नंबर 6 जो सबसे छोटा था जिसमें केवल 60 शेल थे। अब केवल तीन विंग बचे हुए हैं, यह है विंग नंबर 1, विंग नंबर 7, विंग नंबर 6। बाकी जो 4 विंग्स थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में बमबार्डिंग में टूट चुके हैं, कुछ पार्ट का जो बचा था खंडर की हालत में था जो कभी भी गिर सकता था, उसको इंडियन गवर्नमेंट ने गिराकर तोड़कर यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया। इस जेल को बनाने में टोटल कॉस्ट आया था 5,17,352 रुपीज़। पूरे जेल को बनाने में टोटल कॉस्ट आया था क्योंकि उनको कोई लेबर चार्ज देना नहीं पड़ा, इनके पास कैदी होते थे, कैदियों से ही लेबर्स का काम कराते थे, इनको सामान लाने ले जाने में चार्ज पड़ता था, बस वही चार्ज। थैंक यू।